गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में मैं दुर्धनकर फॉर्मर एस बी पी आज फिर से आप लोगों के लिए हमारे कैंडिडेट का एस बी पी इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ सो लेट्स गेट इन टू इट स्टार्ट करते हैं क्या क्या पूछा गया इनसे अब इनिशियली आप सभी को पता है उनके पास पैनलिस्ट के पास आपका बायोडेटा फॉर्म रहता है जिसमें सारी आपकी बेसिक डिटेल्स रहती है तो इनिशियली ग्रीटिंग्स हुई ग्रीटिंग्स होने के बाद वो ऑलरेडी उन्होंने विप्रो टेक्नोलॉजीज में काम किया हुआ था तो उनसे पूछा गया यू वर्क डेट विप्रो टेक्नोलॉजीज तो उन्होंने आंसर किया येस सर यू आर स्टिल वर्किंग देयर और रिजाइन तो उन्होंने आंसर किया सर आई रिजाइन ऑन एटीन नवंबर ट्वेंटी ट्वेंटी तो उनसे क्वेश्चन पूछा गया वाई डिड यू रिजाइन तो उन्होंने आंसर किया सर आई वॉन्टेड टू फोकस ऑन माई प्रिपरेशन फॉर बैंक एग्जाम्स अब इस पे क्रॉस क्वेश्चन बनते हैं फॉलोअप क्वेश्चन बनते हैं जो इनसे पूछे भी गए डू यू हैव श्योरिटी डैट यू विड भी सेलेक्टेड एट द बैंक विच मेड यू लिव एन एग्जिस्टिंग जॉब तो उन्होंने आंसर किया सर आई इनिशियली प्लान टू कैरी ऑन द प्रिपरेशन विद माय वर्क बट देन आई रियलाइज दैट वर्किंग टेन आर शिफ्ट एंड आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर बैंक एग्जाम्स इज जस्ट नॉट पॉसिबल दैट्स व्हाई आई लिव द जॉब सो so, उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाट क्वालिटीज यू हैव विच आर यूजफुल टू द बैंक ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपकी स्ट्रेंथ्स के अंदर इंक्लूडेड है अब मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ उसमें स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस के बारे में मैंने बात की थी कि जब भी आप स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करें उन स्ट्रेंथ्स की बात करें जो आपके एज अ प्योर जॉब में काम आएंगे बैंक में जो काम आए वो स्ट्रेंथ्स बताइए ऐसी रैंडम कोई भी स्ट्रेंथ मत बताइए और जब भी आप अपनी स्ट्रेंथ्स बताएं तो उसको जस्टिफाई की दी कीजिए विद प्रूफ विद एग्जांपल्स कि कैसे ये मेरे जॉब में कन्वर्ट होगी कैसे मेरे जॉब में ये हेल्पफुल होगी ठीक है वही सवाल इनसे पूछा गया तो इन्होंने आंसर दिया कि सर आई एम गुड एट कम्युनिकेशन स्किल्स जो अच्छी चीज़ है आई एम हार्ड वर्किंग जो मैं जनरली एडवाइज़ करता हूँ ये आंसर नहीं देना चाहिए बहुत ज़्यादा जनरल है बहुत ज़्यादा वेग है ये नेक्स्ट uh, उन्होंने ने बोला आई कैन लर्न थिंग्स इजली आई एम नॉट फ्रॉम ऑल दो आई एम नॉट फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड बट आई एम एबल टू ग्राफ्स थिंग्स टॉट इन ट्रेनिंग वेरी इजली, ठीक है फिर इनसे पूछा गया uh, पैनलिस्ट ने क्रॉस क्वेश्चन किया दैट्स नॉट एन न्यू थिंग एटी परसेंट ऑफ बैंक जॉब्स आर टेकन बाय साइंस एंड आर्ट्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स फिर आंसर दिया येस सर बट आई ऑल्सो फील दैट ड्यूरिंग माई फैमिली गैदरिंग्स री पार्टी आ सकते आई वेल ट्राई टू इन्फॉर्म माई फ्रेंड्स फैमिली एक्वेंटेंसिस अबाउट द डिफरेंट बैंक प्रोडक्ट्स एंड स्कीम्स एंड कन्विंस डेम टू ओपन एन अकाउंट विद आवर बैंक दिस विल इंक्रीज द बिजनेस ऑफ द बैंक आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड आंसर ये एक अच्छा आंसर नहीं था उनकी तरफ से क्योंकि ये क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं दिखाता एक सटीक आंसर मैं इसे नहीं मानूंगा जिस पे उन्होंने क्वेश्चन किया बट मोस्ट ऑफ द पीपल वुड ओपन एन अकाउंट विद द नियरेस्ट ब्रांच फ्रॉम देयर हाउस इवन इफ इट गिव्स लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट देन अनदर बैंक एंड द बैंकिंग प्रोडक्ट्स इन ऑल द दस आर मोर और लेस द सेम पीपल आर अवेयर दिस दिस अबाउट द स्कीम्स बॉट बाय द बैंक हैव टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग देम तो यहाँ पर वो थोड़ा सा पैनिक हो गया अब ऑल दो आंसर उनका प्रेसाइस नहीं था पर यहाँ पर पैनिक होना ये थोड़ा सा गलत था अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको प्रेशराइज़ किया जा रहा है या फिर आपको उन्होंने रियलाइजेशन करवा दिया है कि आपका आंसर हंड्रेड परसेंट नहीं है उतना अच्छा नहीं है स्टिल आपको अपने पॉइंट पे बने रहना है कॉन्फिडेंट उनको फील करवाना है क्योंकि ये भी एक क्वालिटी शो करेगी कि आप प्रेशर्ड इन्वायरमेंट में भी घबराते नहीं हैं पैनिक नहीं करते और ऐसे माहौल में भी यू विल स्टैंड योर ग्राउंड और आप प्रैक्टिकली लॉजिकली फिर भी उस टाइम पे सो सकते हैं पर अगर आप पैनिक करते हैं तो सामने वाले को ये लगता है कि यार मुश्किल सिचुएशन में ये उतना अच्छे से सोच नहीं पाएगा अगर पैनिक कर पा रहा है तो तो दिस इज लिटिल नेगेटिव फिर देन इनसे पूछा गया यू हैव एनी अदर क्वालिटी यूजफुल टू द बैंक तो इस पर ये आंसर नहीं कर पाए अब यहाँ पर इनके पास अच्छे दो तीन पॉइंट्स होना बहुत जरूरी है जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा पॉइंट था देन इनको बताना चाहिए कि सर आ, मैं पीपल्स पर्सन हूँ पब्लिक डीलिंग में बहुत उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कॉलेज का आपका रहा हो या अदर आपका रहा हो जहाँ पर आप लोगों से बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं सोशलाइज बहुत अच्छे से कर सकते हैं इसके अलावा कि टीम लीडर की जो क्वालिटीज़ रहती है क्योंकि आप जब पीओ होते हैं तो आपके अंडर कुछ स्टाफ ज़रूर रहेगा उनको अच्छे से लीड करना उनको समझना उनकी प्रॉब्लम समझना और उनको अच्छे से गाइड करना लीड करना ये एक अच्छी क्वालिटी रहती है इसको एग्जांपल्स के थ्रू शो करना चाहिए था दूसरा कि प्रेशर्ड इन्वायरमेंट्स में सर मैं पैनिक नहीं करता ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी रहती है तो ये आप शो कर सकते थे तो कई अच्छी चीज़ें थी जो यहाँ पर मैंशन की जा सकती थी एक पॉइंट उनका कम्युनिकेशन स्किल्स का ज़रूर अच्छा था बट बाकी थोड़े से वेक लगे मुझे अब आगे पूछ रखा था आ, इन्होंने फिर एक एक और बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया जो मैंने जनरली नहीं बताया जो एक अच्छा पॉइंट है यू ऑल्सो नीड टू हैव रिस्क टेकिंग एबिलिटीज इफ़ यू गिव अ लोन टू समन यू हैव टू थिंक यूर सेल्फ एंड डिसाइड वेदर ही कैन रिपीट और इट विल बी अ बैड लोन तो रिस्क टेकिंग इज असेंशियल इन दिस सेक्टर तो इसको मैं थोड़ा सा और इंप्रूव करेंगी इसको हम करेंगे रिस्क असेसमेंट बहुत अच्छे से कर सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन आप बता सकते हैं कि सर मेरी लाइफ में आई है जहां पर मैंने रिस्क असेसमेंट बहुत अच्छे से किया है कि क्या मैं अगर ये रिस्क लूं और क्या मैं ये रिस्क अच्छे से लेके क्या उस रिस्क लेने से जो रिवॉर्ड मिलेगा उसको बराबर से बैलेंस करते हुए चल सकता हूं क्या तो इसको ये ऐसे कर सकते थे कि जैसे कि इनका एक पॉइंट आया था जहां पर उनको या तो बैंक की प्रिपरेशन करनी थी या फिर इनको जॉब कंटिन्यू करना था तो यहाँ पर एक बड़ा रिस्क असेसमेंट इन्होंने लिया और इन्होंने बैंक प्रिपरेशन को कंटिन्यू किया जिसका इन्हें अब रिवॉर्ड मिला है तो इसको एज एग्जाम्पल वो शो कर सकते थे तो इस तरह सोचना ना, Recently, विप, से सोचना आना बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए रिसेंटली अब विप्रो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे कि विप्रो एक्वायर्ड यू यूके फर्म डू यू नो द नेम उन्होंने आंसर कर दिया ट्रांजैक्शन अमाउंट का डील पूछा ये भी इन्होंने आंसर कर दिया uh, फिर इनसे पूछा अनदर इंडियन टैक्स कंपनी है जिसे फॉरन फर्म ने अक्वायर किया इसके बारे में आपको पता है उन्होंने पोलाइटीनो बोल दिया जो बहुत बढ़िया बात है फिर इनसे कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा गया जो यूनियन बजट में इस बार मेंशन किए गए तो कुछ के आंसर इन्होंने दिए जो बहुत बढ़िया बात है डू यू नो एनीथिंग रिलेटेड टू टैक्सेशन इन द बजट आ, तो इस पे इन्होंने कुछ आंसर्स दिए जो अच्छे आंसर्स थे अब उन्होंने पूछा कि इसके बारे में टैक्सेशन के इंसेंटिव्स के बारे में डिटेल में आप बता सकते हैं क्या तो उन्होंने पोलाइटली बोल दिया नहीं सर फिर इनसे पूछा गया कि सी ओ की इन्फोसिस इन्फोसिस की सी कौन है इसका आंसर भी इन्होंने दिया फिर इनसे पूछा गया कैन यू नेम द डिप्यूटी गवर्नर्स ऑफ आरबीआई तो आरबीआई के चार डिप्यूटी गवर्नर्स गवर्नर्स रहते हैं जिसमें से तीन का आंसर ये कर पाए जो डिसेंट इनफ है फिर इनसे पूछा गया व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी तो ये आंसर ये यहाँ पर नहीं कर पाए और इसी के साथ इनका इंटरव्यू खत्म हो गया अब इसका इनको इन मैंने इन्फॉर्म कर दिया था कि ये बहुत अच्छा इंटरव्यू नहीं था एक सो सो इंटरव्यू था मोर टूवर्ड्स एवरेज इंटरव्यू पर परेशान होने की जरूरत नहीं मेन्स के जो मार्क्स हैं वो बड़ा रोल प्ले करेंगे आपके फाइनल सिलेक्शन में तो आपको डीमोटिवेट या लेट डाउन फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है ठीक है तो ये एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस था हमारे एक कैंडिडेट का आई होप इससे कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिली है और आगे आप और अच्छे से इस पर इम्प्रूव करेंगे नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन टेक केयर